हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है साथियों। यहाँ पर हम इंटर की फिजिक्स कवर कर रहे हैं, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित। ठीक है, आज से हम इकाई टू स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले चैप्टर का जो लास्ट अध्याय था, मतलब पहले इकाई का जो लास्ट अध्याय था, अध्याय चार था, उसमें हमने एक चीज़ अभी छोड़ दिया है, वन डे ग्राफ जनरेटर। ठीक है, वन डे ग्राफ जनरेटर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उस पर जो वीडियो बनाया जा रहा है वो आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा। तो आज से हम अपना इकाई टू शुरू करते हैं। ठीक है, और बीच में वीडियो नहीं आया है, आज काफ़ी समय बाद वीडियो आ रहा है, तो आज से रेगुलर आएगा। ठीक है, तो धारा विद्युत इस इकाई का नाम है। ठीक है, इकाई दो का नाम क्या है, धारा विद्युत। और हम देखेंगे कौन सा अध्याय देखेंगे, अध्याय देखेंगे पाँचवा, जो कि है वैद्युत चालन, और ये आता है इकाई दो के अंतर्गत, जो कि धारा विद्युत इकाई हमारी है। ठीक है, और साथियों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि उनको जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैद्युत चालन चैप्टर में जो हमारी पहली हेडिंग होगी वो होगी वैद्युत धारा। या इलेक्ट्रिक करंट, आप देखिएगा विद्युत धारा की बात करते हैं। तो साथियों जैसा कि आप जानते हैं, जितने भी धातुएं हैं जो विद्युत का सुचालक होती हैं, ठीक है, उनमें आवेश प्रत्येक स्थान पर आवेश मिला रहता है। ठीक है, आवेश स्थित रहता है। जैसे मैंने आपको बताया है पहले बहुत सारे वीडियो में, आपको क्लियर कर दिया है कि ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तुएं हैं, ठीक है, जितनी भी ब्रह्मांड में वस्तुएं हैं वो सब बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास पदार्थ है, तो छोटा छोटा कण है, उन्हीं को आपस में संसंजक बल द्वारा जोड़ दिया जाता है और वो किसी वस्तु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आप जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई चालक तार है, ठीक, ये भी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। ठीक है, तो जब हम इसको करंट देते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर, ठीक है, इसको विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है अगर कहा जाए तो जो यहां सबसे पहला कण मिलता है, ठीक है, या यहां पर जो आवेश स्थित रहता है वो चार्ज हो जाता है। ठीक है, अर्थात उसमें करंट आ जाता है। तो उस आवेश का ये गुण होता है कि जैसे उसको चार्ज मिलता है वो गतिमान अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो गतिमान अवस्था में आने का मतलब है कि ये आगे को जाएगा और जो अगला आवेश रहेगा वही इससे आवेश प्रदान करेगा, फिर वो भी आगे जाएगा, अगले को देगा, फिर अगले को देगा। इसी तरीके से एक दूसरे को देते देते करंट आगे को बहती जाती है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं विद्युत धारा, जो यही गतिमान रहता है। ठीक है, क्या आवेश का जो ये गतिमान होता है इसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। शॉर्टकट में अब परिभाषा, यदि इसकी बात की जाए परिभाषा क्या हो सकती है, तो विद्युत धारा की परिभाषा हो जाएगी वैद्युत आवेश की जो गति है वही जो अवस्था है वही क्या हो जाएगी, वैद्युत धारा हो जाएगी। तो परिभाषा सबसे पहले लिख लेते हैं। और साथियों आपको बता दूं, जो साथी अभी तक लिखना पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं, थोड़ा सा वीडियो देखते हैं उसके बाद चले जाते हैं, उनसे फिर से मैं बता दूं कि ऐसे धीरे धीरे पूरी फिजिक्स हमारी खत्म हो जाएगी। आप ऐसे आजकल करते रह जाएंगे और आपको कुछ होने वाला नहीं है। तो आज से ही आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। देख रहे हैं धीरे धीरे हम अपने अध्याय फाइव पर आ गए हैं। टोटल 12 चैप्टर हैं। ठीक है, कितने 12 चैप्टर है फिजिक्स फर्स्ट में, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, लगभग आधा कवर हो चुका है। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने नोट्स बुक नहीं बनाया है तो आप नोट बना लीजिए और उसमें इन सबको लिखते रहिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा की, वैद्युत धारा की। तो आवेश के गतिमान अवस्था को, वैसे परिभाषा बहुत बढ़िया है लेकिन हमको समझना है और याद करना है, इसलिए हम आसान तरीके से लिखते हैं। आवेश के गतिमान अवस्था को विद्युत धारा कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। अब आगे देखिएगा, आई बराबर, मतलब जो विद्युत धारा होता है उसे आई से प्रदर्शित करते हैं, किससे, आई से, और आई बराबर होता है क्यू अपान टी, अर्थात समय अपान आवेश अपान समय। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए
इतना बड़ा तार है ठीक है, इसमें कितना आवेश कितने समय में जा रहा है वही क्या होती है वैद्युत धारा। तो I बराबर क्या हो जाएगा Q अपन T। अब I का मात्रक या धारा का मात्रक की बात की जाए, वैद्युत धारा की मात्रक की, वैद्युत धारा का मात्रक तो आप जानते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, और समय का मात्रक क्या होता है सेकेंड, क्या हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड ठीक है, या इसी को एम्पियर बोला जाता है। क्या एम्पियर? तो धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर या कूलाम प्रति सेकंड ठीक है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही उपयोगी है, ऐसे धीरे धीरे हम छोटे छोटे वीडियो से बड़े वीडियो की तरफ चल रहे हैं अब धीरे धीरे। तो साथियों यदि कोई भी दिक्कत है कहीं भी कुछ समझ में नहीं आया है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लें ठीक है, और कल के वीडियो की नोटिफिकेशन या आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर कर दें ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।